दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे एक ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करने वाले हैं। इसके अंदर काफ़ी सिंपल सा फॉल्ट था गाइस, जिसे मैंने रिपेयर कर दिया है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको फॉल्ट दिखा दूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर कैसा फॉल्ट है, ये सही तरीके से ऑन नहीं हो पा रहा। तो चलिए गाइस इसको रिपेयर करते हैं। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा चीज़ समझाने वाला हूँ। बहुत अच्छी वीडियो है, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले आपको इसको खोल लेना है, और इसके अंदर सभी सुरों को मैं खोल लेता हूँ। और गाइस हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी टाइप के वीडियो और भी देखने के लिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने इस टाइप से इसको खोल दिया। ये इसके पीछे का बैक कवर है, इसे भी मैं खोल लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, और मैं आपको फ्री में बताऊँगा इसको रिपेयर करना, बिल्कुल फ्री में, आपका एक रुपये भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में ये रिपेयर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस प्रकार से इसको खोल दिया है। इसके बाद जो गाइस यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर पीसीबी बोर्ड है, तो इस केस में सबसे पहले हमें क्या करना है, बैटरी के वोल्टेज को चेक करना है। क्या पता हमारी बैटरी ख़राब हो, इस वजह से ये फॉल्ट आ रहा हो। तो गाइस सबसे पहले मैं बैटरी को यहाँ पर चेक करता हूँ। यहाँ पर गाइस मैं अपना मल्टीमीटर लेके आया हूँ, जिसको मैंने 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर दिया है, और यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव में मैं स्टेप से इसे चेक करने वाला हूँ। और गाइस अगर आपको रिपेयर से रिलेटेड वीडियो देखने में अच्छी लगती है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए रिपेयर की वीडियो लेके आऊँगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए 3.83 वोल्टेज, यानी कि हमारी बैटरी लगभग फुल चार्ज है। तो गाइस ये बैटरी का फॉल्ट नहीं है। तो गाइस ये फॉल्ट है किसका, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए पीसीबी में आपको अच्छे से दिखाई देगी कि यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है कुछ इस टाइप का, स्लाइडर स्विच। तो गाइस इसके अंदर कार्बन आ जाने की प्रॉब्लम के वजह से जो है ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो ठीक है, सबसे पहले तो अब हम इसे चिमटी के द्वारा शॉर्ट करके चेक करेंगे कि इसमें कोई और प्रॉब्लम है कि नहीं, ये हमारा सर्किट ऑन होता है कि नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर सारे कनेक्टर को इसके अंदर लगा दिया है। अब गाइस मैं यहाँ पर एक ट्वीजर की हेल्प से ना यहाँ पर शॉर्ट करके देख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए गाइस ये ऑन हुआ था, तो ये देखिए गाइस, तो गाइस यहाँ पर देखिए ये ऑन हो गया है। तो गाइस हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होने वाला है लगभग। तो गाइस यहाँ पर देखिए सर्किट हमारा ऑन है। तो गाइस अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम बिना स्विच चेंज किए कैसे करें। तो गाइस अगर आपके पास स्विच नहीं है तो आप इसको कर सकते हो फ्री में से ही। तो गाइस मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा थिनर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आपके पास पेट्रोल हो तो पेट्रोल का इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ा सा गाइस आपको लगेगा। आप यहाँ पर अपने बाइक से भी थोड़ा सा पेट्रोल यूज़ करके ले सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा लगेगा। और इस टाइप से आपको ब्रश की हेल्प से इसको साफ़ कर देना है, और इस टाइप से आपको 2-3 बार इसको अप डाउन करना है। तो गाइस ये हमारा आपका स्विच है, जिसके अंदर कार्बन लगा होगा वो सही हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं शोल्डरिंग की हेल्प से इसके जो पिन है इसमें शोल्डरिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखिए अभी कितने अच्छे तरीके से ऑन हो रहा है, ये देखिए गाइस। तो गाइस अगर आपको रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको एक और वीडियो है मेरे पास रिपेयर की, वो भी मैं आपको बना के देने वाला हूँ, अगर आपको रिपेयरिंग की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है गाइस, तो अब हमें सिंपली स्टेप से इसको पैक कर देते हैं। देखिए गाइस कितना छोटा सा फॉल्ट था, अगर आप इसको दुकान में रिपेयर करवाने ले जाते तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते, क्योंकि वो आपको कोई भी प्रॉब्लम बता देता। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस टाइप के और कंटेंट देखना पसंद है तो। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने इसको फिट कर दिया, इसके अंदर 4 स्क्रू आते हैं, 4 स्क्रू को मैं लगा देता हूँ और इस टाइप से मैं इसको पैक कर दिया हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस ये लगभग हमारा फ्री में ही काम हुआ है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इसको लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और भी ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस चलिए अब इसे दोबारा से हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा फॉल्ट यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर देखिए ये ऑन हो रहा है। तो गाइस अब मैं इसको हम फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और एक वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर फ़ोन को लेके आया हूँ, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पर यूट्यूब में वीडियो प्ले कर दिया हूँ। गाइस यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से मैंने इसको प्ले कर दिया है, और इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, बिल्कुल अच्छी लग रही है। तो गाइस आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल पर ऐसे और बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है,
आप जाकर उसे देख सकते हो। अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।